और ये मुझे बोल रही है जरा ले लो, इधर देखो जरा, ये देख, अच्छा नहीं है बिल्कुल भी ये रहने तो। ये भी है मायन के कपड़े लेने के लिए, ये अच्छी लग रही है, देखते ना क्या होता है। ट्राई कर लो, कलर अच्छा लग रहा है। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रोमी आर्ट भी। तो आज का व्लॉग हमारा जो है शॉपिंग से स्टार्ट होता है, जैसे कि आपको भूमि ने दिखाया होगा। तो हमने एक शर्ट ली है और इतनी प्यारी शर्ट है, तो जाते अंदर तो भूमि से भी मिलवाते रुको। मेरे ख्याल से कोई टी शर्ट वगैरह देख रही है मेरे लिए, क्या हुआ? मैं बाहर गया था, मैंने आपके लिए कुछ गिफ्ट लिया, मैंने देखा था। क्या आपने क्या ले लिया? ये व्हाइट कलर की नहीं, ये नहीं लेना, नहीं मुझे अच्छी लगी, नहीं ना समझा करो, नहीं खाली शर्ट सही, नहीं शर्ट अच्छी लगी यार, नहीं ना, नहीं रहने दो, समझा करो। सो फाइनली मैंने अपने लिए टी शर्ट ले ली। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये भी अपने लिए देख रही क्या लेना है। वो ये बोली व्हाइट की थीम है, तो मुझे इसने कुछ और कलर ले दिया, खुद व्हाइट की थीम के हिसाब से चल रही है। सही जा, अभी अभी क्या बोलूँ, अब पसंद आ गई तो अब छोड़ो बस। तो हमेशा की तरह एक दिन की कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं कि जब भी आए तो फ़ौरन से इसको, ये मुझे इतना घुमाती है ना, इतना कोई डोलमिन मोल आया मैं कुछ भी समझ नहीं आ रही। मैं एक ही शॉप पे गया, दूसरी शॉप पे गया, शर्ट पसंद की इसने, बोला ठीक है अच्छी लग रही, मैं बोला ठीक है। तो अपनी बारी है, इतना मुझे कोई घुमाती है यार, हद होती है जिससे। तो मुझे आप देख लो ठीक है, कल मैंने जाना है वैसे पहन लूँगा ना वहाँ से, तो मैं कोई और शर्ट देख लूँगा, लेकिन आप पसंद कर लो कुछ भी पसंद कर लो, सही है कुछ भी पसंद कर लो। ना तो तुम मुझे दिखा रहे थे, दिखाओ ये वाला ड्रेस कैसा लग रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। ट्यूलिप सलवार है हाँ, इसकी ये मुझे बस अच्छा लग रहा है जो इसने वो बनावा ना, वैसे मुझे अच्छा लग रहा है सिंपल सा, क्योंकि मुझे काफी सारे कमेंट्स आए थे कि सिंपल ही वेयर करना। अच्छा लग रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा ना मीन्स के कलर जो ना वो लाइनिंग वाला है ना, थोड़ा सा प्रिंटेड होता है। मैं आपको बोल रहा हूँ सलवार कमीज पहन लो, ये मेरी सुननी नहीं रही, इसे मैं कितने देर से बोल रहा हूँ कि खाटी से देख लो ड्रेस वगैरह, नहीं ये ईगो है। चलो तो कौन कौन जो है ना अपने हस्बैंड को ऐसे तंग करती हैं, या अपने मंगेतर को, तो मतलब ये देखो पहनना इन्होंने तो तंग मुझे किया हुआ, आप देखो खुद ट्राई करके आ जाती, इसके बाद बोलती फिर आप देखो कौन सा देखने आप, मैं क्या देखूँ यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ, मुझे अपनी समझ नहीं आती, मैं इसका क्या समझाऊँ। कभी कभी आता है कि कोई ड्रेस समझ आ जाती तो उसको मैं बोलता हूँ ये वो नहीं पहनती, फिर तो ऐसा होता है। अब मेरे को उसने एक ही शर्ट दिखाई, इसने बोला तेरी अच्छी लग रही आप पे, तो मैं वही ले ली। तो मैं तो अभी क्या करूँ यार, मैं बोल रहा हूँ अगर आप कोई और भी देख लोगे तो मैं उस हिसाब से कोई और शर्ट ले आऊँगा एक और, लेकिन अभी सर दर्द हुआ है मेरा। वही ये वाला ले लो, इधर देखो जरा, ये देख, अच्छा नहीं है बिल्कुल भी ये रहने तो, ये अच्छा नहीं है। चलो चलो आपको तो वैसे ही खर्चा करने, चलो चलो आ जाओ चले। इट्स टू मच जैसे आप बोल रहे हो, लेकिन इवेंट की शर्ट से ज़्यादा मिंडा हो जाएगा, मिंडा मिंडा। आपने शादी पे जाना है तो 15,000 रुपये का ड्रेस ले लो, 20,000 का ले लो, मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि इवेंट ऐसा होगा। कोई ऐसा देख लो जिसमें रिजनेबल हो, सही है 5-6,000 रुपये का ड्रेस देख लो, सही है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रहा है हमें। सो ये जो ना मेरे से नाराज़ हो रही है कि आपने टी शर्ट नहीं ली, और मैं वो 1500 रुपये की 2000 रुपये की टी शर्ट है एक टी शर्ट, और ऐसी टी शर्ट है मैं ज़ैनब से पता नहीं 3-4 ले लूँ, मुझे ये बात समझ नहीं रही थी। ओ यार ये देख, ये भी है, तो हम यहाँ से देखते हैं। अरे यार ये तो फुल एम्ब्रॉयडरी है, हल्का बहुत एम्ब्रॉयडरी मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है इस तरह से। सब इसको ड्रेस इतने प्यारे, मुझे इतने प्यारे लग रहे हैं, पसंद तो आया हमें, तो भी हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छे कैसे हैं। तो है गाइस फाइनली हम लोग आ गए, और काफ़ी थक गया मैं, बहुत ज़्यादा थक गया, इतना ज़्यादा मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि जिसकी कोई हद नहीं थका। पता क्यों ज़्यादा, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ इस वजह से, तो इस वजह से मेरे को भूख बहुत लगी थी। और लास्ट में जहाँ हम देखने गए ना ड्रेस, उधर इतने कोई ड्रेस, इतने और ऐसे ज़बरदस्त ड्रेस, हाँ ठीक है, और आपको पता है इसके रीज़नेबल थे, अगर आपको एक चीज़ 12,000 की मिल रही है ना, तो उसकी हद में आपको वो चीज़ मिल रही है, इतने रीज़नेबल थे, और वो भी डोलमिन में।
और इतना अच्छा मुझे लगा ना, और इनको जो मैंने ड्रेस लेकर दी है, मींस के लिया इन्होंने, ये जो मैं डिसाइड किया है, इतना प्यारा ड्रेस है, आप लोग देखोगे आप लोग बोलोगे। और मुझे अभी समझ नहीं आ रही, मैंने जो शर्ट ले ली वो उनके साथ बिल्कुल भी मैच, मैंने जो वो शर्ट ले ली है ना वो बिल्कुल भी मैच नहीं करी वो ड्रेस के। टी शर्ट, अब मेरे को एक बात बताओ, एक टी शर्ट 2000 रुपए की है, उसमें अगर मुझे वहाँ से 300-400 रुपए की एक टी शर्ट मिल रही है, तो मैं आपका फायदा सोच रहा हूँ। वो 2000 रुपए की शर्ट अगर हमें कहीं और से 4 शर्टें मिल रही है 2000 रुपए की, तो क्या फायदा है। अब मेरे को जो ना ये वाली अच्छी लग रही है, ये देखो हमने मंगवाया खाना, ये अल्फ्राडो पास्ता और ये कढ़ाई और ओमी कढ़ाई जो खाएगी हमारे साथ मिल के। तो अभी हमने ये मंगवाई है कोल्ड कॉफी, तो मैं ये सही है भाई, सही कह रहे हैं। पुराना वाला टेस्टी है ये, चेंज है वैसे ही, मुझे भी टेस्ट करो। नहीं करो ना, पीने दो। अभी कोल्ड नहीं, इसको कोल्ड करो, उसको बोले कोल्ड नहीं है यार, है ना, एक्सक्यूज मी। वो वाली कोल्ड नहीं थी, ये देखो तो ये पता चल रहा है क्या, तो इस वजह से मैं ट्राई करके देखता हूँ अभी। तो ये हमने अभी दूसरी मंगवाई, पहले वाली पी ली थी, इस जगह पे ना पाकिस्तान में ये भी बड़ा गंद हो गया, लोग खाने से मजबूर हो रहे हैं, हम खुद खाने से मजबूर हो रहे हैं, मतलब की इतनी महंगाई होगी। चलो बिल तो हमारा बना ही बना, बिल हमारा देखो बना है 2383, ठीक है, ये हमारा बिल बना है। तो उसके बाद जी टैक्स देखो कितना लग रहा है, 30% टैक्स लग के, तो ये देखो 2600 मतलब 2700 रुपये बिल बन गया सीधा सीधा। मतलब कि GST टैक्स देखो यार कितना लगा दिया, ये मुझे पूरे आशीर्वाद नहीं आना। हमने रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट छोड़ो, ढाबे में बैठ जो, सही बोल रहे हो, मना भी करती हूँ मैं इसको पैसा खर्च करने का, बड़ा रहता है। तो मैं तो वैसे मैं चलो खा लेते हैं, इतना कमाते नहीं जितना उड़ाते हो, सही बात है, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो चलो ठीक है, लेकिन यार टैक्स इतना बस कर दो महंगा, कोई बात नहीं, इवेंट है उस हिसाब से अच्छा लगेगा। और आप लोग देखोगे, आप लोग बोलोगे कि बाकी बहुत प्यारा ड्रेस है, ऐसे ही। सो गाइस, फाइनली हमारा आज का व्लॉग यहीं तक, उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज बताना कैसा लगा था। और व्लॉग तो काफी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्स मुझे वैसे नहीं मिल रहा, लेकिन क्या है, मैं हमेशा आपको यही बताता हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कोई बात नहीं चलेगा, एक ना एक दिन हमारा भी टाइम आएगा, बोलते ना अपना टाइम आएगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो बस चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, और तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।